एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में टॉलिक विह को ढूंढ रही होती है समुद्र के किनारे। तभी विह वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। विह बिना उससे बात किए हुए आगे जाने लगता है। टॉलिक कहती है क्या हुआ। वह कहता है क्या है। टॉलिक कहती है आज मैं टेंटेन से मिली, मैंने उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को जाना। जब मैंने कहा मेरी फीलिंग्स अभी भी उसके बारे में है, मैं गलत थी, मेरी उसके प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वह ये सुनकर खुश होने लगता है। तभी टॉलिक कहती है मैं अभी उससे प्यार करती हूँ। वह फिर उदास हो जाता है। वह पूछता है तो तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। और वह जाने लगता है। तभी टॉलिक कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरे इमोशन इसके बीच आए, मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हूँ। मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ जो अपने खतरनाक पति के लिए पछता है। मुझे अभी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है ताकि मैं उन दोनों को बाद में नष्ट कर सकूँ। मेरे पास सिर्फ एक लास्ट मिशन है और टेंटेन का केस अब ठीक हो चुका है और उसने अपने लाखों शेयर्स बेच दिए हैं और उसने नीला के साथ ब्रेकअप कर लिया है और वो फिर से इस झंझट में नहीं फंसना चाहता। और टेंटेन अब भी मुझसे प्यार करता है और वो मेरे आने का इंतजार कर रहा है, वो अपने को नहीं मानना चाहता। ये सुनने के बाद वह कहता है तुम अपने मिशन पे फोकस करो, तुम अपनी प्यार भरी जिंदगी को बीच में मत लाओ, ये बेकार है। वह जब जाने लगता है टॉलिक कहती है तो तुमने मुझ पर अपनी आवाज़ क्यों उठाई। इसके बाद वह घर पर जाता है और अपने आप से कहता है मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि टॉलिक आखिर उससे क्यों कह रही है अपनी लव लाइफ के बारे में। और इसके बाद दिखता है कि हो टेन के घर आती है और उससे कहती है क्या तुमने नहीं कहा डीजे म्यूजिक तुम्हारी लाइफ है, तो तुमने अपने सारे शेयर्स क्यों बेच दिए। टेंटेन कहता है मैंने ये किया, उसकी जगह मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ एक नए स्टोर को और टोने ने मुझे ये सलाह दी, और टॉलिक की दोस्त है। हु पूछती है क्या उसका नाम टोने है। ये बहुत हद तक टॉलिक की तरह लगता है। टेंटेन कहता है उसका नाम सिर्फ नीड है लेकिन उसने अपना नाम चेंज किया जो टॉलिक से मिलता जुलता है। हु कहती है तुम्हारा ईगो तो बहुत बड़ा है, तुम्हें अब किसी की नहीं सुननी चाहिए, तो तुमने टोनेड की सलाह क्यों ली। टेंटेन कहता है मुझे नहीं पता, और वो सोचने लगता है। फिर कहता है मेरी उसके साथ अच्छी बनती है, उसने मुझे अच्छी सलाह दी है, ये ऐसा महसूस होता है जैसे ये चीज़ काम कर रही हो अगर मैं उसकी सुनता हूँ। वो कहती है अगर टॉलिक कहती यही चीज़ तो तुम यही फील करते। टेंटेन कहता है हाँ अगर मैं सच कहूँ तो टोनेड एंड टॉलिक में बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है, जैसे वो कैसे सोचती है और बात करती है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मैं ऐसे महसूस करता हूँ जैसे मैं टॉलिक के साथ हूँ। उसने कहा जब लोग ज़्यादा ही नज़दीक होते हैं तो उनके शब्द और पर्सनैलिटी हमेशा याद रहती है। वो पूछती है क्या तुम्हें पता है टॉनेड टॉलिक की स्क्रिप्ट को जानती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि टॉलिक नदी में नहा रही होती है और वो टेंटेन के बारे में सोच रही होती है, और वो कहती है कि मैं बार बार टेंटेन के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, मेरा पहला मिशन कंप्लीट है, मेरा दूसरा मिशन भी ठीक होना चाहिए, एक और मिशन, उसके बाद मैं अपने शरीर में वापस चले आऊँगी सारी समस्या को ख़त्म करके। तभी कोई टुनाई टुनाई चिल्लाता है और टॉलिक इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे याद आता है डिया, और फिर वो एक घर में चली जाती है और वो कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी टॉलिक उस घर में डिया को देखती है। डिया अपने फ़ोन में टुनाई का नंबर ढूँढ रही होती है और डिया कहती है क्या मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया। तभी वो वहाँ टॉलिक को टुनाई नाम से बुलाने लगती है और वो उसको देखकर खुश होती है। वो कहती है क्या तुम सच में हो, और वो सीढ़ियों से नीचे आती है उससे मिलने के लिए। टॉलिक कहती है अपने आप से कि डिया मुझे कैसे देख सकती है, और डिया उसे गले लगा देती है। और उस घर में वेहा और बाकी ग्रीम रीपर भी होते हैं, और ग्रीम रीपर वेहा से कहता है ये दिखाता है कि डिया टॉलिक को देख सकती है, यानी कि तुम्हारा मिशन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। तभी दूसरा ग्रीम रीपर कहता है इसका मतलब परफ्यूम गर्ल ने अपना एक भी मिशन कम्प्लीट नहीं किया है। पहला ग्रीम रीपर कहता है दूसरे शब्दों में कहें तुम्हारा मिशन एक भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है अभी तक, तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर सके, तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। डिया कहती है टॉलिक से क्या तुम्हारे पास कोई पावर है, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रही थी कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, लेकिन अचानक तुम मुझे दिख गई, ये पहली बार नहीं है कि तुम मुझे दिखाई दी। टॉलिक कहती है तुम मुझे कैसे देख सकती हो। डिया कहती है क्या, चलो मैं अंधी नहीं हूँ, भले ही मैं प्यार में खुश हूँ। डिया कहती है थैंक यू सो मच मुझे मनाने के लिए और ट्रेन को एक चांस देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। टॉलिक कहती है तुम बहुत खुश हो लेकिन क्यों। डिया कहती है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मैं सोच रही थी तुम्हें इनवाइट करने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी में, लेकिन तुम अचानक ही मुझे दिख गई, मैं तुम्हारा नंबर भूल गई थी। वो पूछती है क्या तुम इसलिए आई,
क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। टॉलिक कहती है हाँ। डिया कहती है यहाँ तक कि अगर तुम्हें ये सब याद है तो मुझे यकीन है ट्रिन को भी याद होगा, किसी को मत बताना। लेकिन मैं सोच रही हूँ ट्रिन एक सरप्राइज प्लान करने के लिए सोच रहा है, मैं सरप्राइज के लिए बहुत इंतजार कर रही हूँ। तभी ट्रिन वहाँ आता है और डिया से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिपोर्टर्स आ गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। डिया कहती है मैं अपने फैन से बात कर रही हूँ। और वो टॉलिक से कहती है मैं जल्दी वापस आऊँगी, तुम मेरा इंतजार करो, तुम कहीं जाना मत। और यहाँ पर ट्रिन देखता है डिया किससे बात कर रही है। ट्रिन को टॉलिक नहीं दिखाई दे रही थी। उन दोनों के जाने के बाद टॉलिक पूछती है अपने आप से डिया मुझे कैसे देख सकती है। इसके बाद टॉलिक वह से पूछती है कि डिया मुझे कैसे देख सकती है, कुछ तो गलत हो रहा है। वह कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि लापरवाह मत बनो, तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए जल्द से जल्द। टॉलिक कहती है मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी दाद देती हूँ अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो। और वो वह का हाथ पकड़ती है। वह कहता है ढूंढो उसे, वो फिर से सुसाइड क्यों करना चाह रही है और प्रॉब्लम को फिक्स करो। टॉलिक कहती है इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वह कहता है ये सब कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हु टॉलिक की माँ को फ़ोन करती है। हु कहती है कि आपको पता है टॉलिक की नज़दीकी दोस्त के बारे में जिसका नाम नीड या टोनेड है। टॉलिक की माँ कहती है ये नीड कौन है, वह उससे कहाँ मिली? जहाँ तक मुझे याद है वो ऐसी किसी दोस्त को नहीं जानती जिसका नाम नीड हो। उसके बाद वो फोन को काट देती है और वो टेंटन से कहती है टॉलिक के घर वालों ने बताया वो किसी नीड नाम की लड़की को नहीं जानते। टेंटन कहता है ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद किसी में दिखता है कि नीला के पास शरण आता है और वो कहता है मुझे अच्छा लगा तुम वापस काम करने के लिए राजी हो गई। नीला उससे बात नहीं करती और जाने लगती है। शरण कहता है तुम कह सकती हो तुम्हें शेयर्स चाहिए, क्या तुम्हें वो मिल गए जॉब छोड़ने के बजाय? और नीला गुस्सा होने लगती है। शरण कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ। नीला कहती है यही वजह है कि मैं यहाँ रुकी, मुझे यकीन है कि मुझे अकेले इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। शरण कहता है ये कठिन होने वाला है तुम मुझे यहाँ से निकाल सको जबकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। शरण नीला का रास्ता रोककर कहता है क्या तुम्हें अपने एक्स से छुटकारा मिल गया और तुम यहाँ मैनेजर बन गई हो, यहाँ तक कि तुम्हें शेयर्स मुफ्त में मिल गए, तुम्हारा अगला कदम क्या है? नीला कहती है मैं अभी सोच रही हूँ। और वो करीब जाकर कहती है मैं किसी को कैसे मारूंगी, हमें लोगों को मारना चाहिए जो हमारे रास्ते में आते हैं। तभी बाहर जाकर टेंटन का दोस्त जिसका नाम सैन भाई होता है वो नीला से पूछता है क्या तुम्हारे और सरन के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है? नीला कहती है इसे इग्नोर करो। सैन भाई कहता है तुम दोनों अब भी साथ दिख रहे हो। नीला कहती है हम क्लोज नहीं है। सैन भाई कहता है मैंने स्टॉक को चेक कर दिया, सब कुछ ठीक है, क्या मैं एक दिन के लिए छुट्टी ले सकता हूँ? नीला पूछती है क्या तुम आज के दिन टेंटन के स्टूडियो जा रहे हो? मुझे पता है टेंटन तुम्हारा आइडियल है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है? सैन भाई कहता है वो अच्छे से कर रहा है। नीला कहती है क्या है मुझे सब कुछ बताओ। सैन भाई कहता है कि टेन थोड़ा उदास है मुझे लगता है, वो अपने आप में बात करता है। नीला कहती है क्या वो अपने आप में बात करता है? सैन भाई कहता है वो स्माइल करता है जब वो अकेले में होता है, वो ऐसे दिखाता है जैसे वो किसी के साथ है और जबकि मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। नीला सोच में पड़ जाती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि हु और टेन वो डिया के घर जाते हैं टॉलिक के बारे में पता करने के लिए। टॉलिक जब सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तभी वहाँ खड़ा टेन उसे देख लेता है और वो उसको बुलाता है और बगल में डिया भी होती है और डिया और टेन दोनों उसके पास आ रहे थे और टॉलिक वहाँ से भाग जाती है परेशान होकर। फिर वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। घर के अंदर जाकर हु बस से पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है टॉलिक के बारे में? बस कहती है जितना मुझे पता था उतना मैं कर सकती हूँ। टॉलिक अपने एक दोस्त से प्रेरित थी लेकिन उस दोस्त का नाम मुझे याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टॉलिक छुपी हुई होती है एक लकड़ी के नीचे उसके ऊपर वह आकर बैठ जाता है। वह टॉलिक से कहता है मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था ना कि डिया फिर से सुसाइड क्यों कर रही है और तुम यहाँ छुप रही हो। टॉलिक कहती है मुझे एक खाली जगह चाहिए थी सोचने के लिए। वह कहता है कितनी झूठी हो तुम, क्या तुमने इससे पहले अपनी गलती को स्वीकारा? इसके बाद वो डिया से मिलती है। डिया पूछती है तुम क्या चाहती हो? वो पूछती है कि आपको नीड और टोनेड के बारे में पता है? मेरा दोस्त कह रहा है कि आपको पता है। डिया कहती है मैं इस नाम को पहली बार सुन रही हूँ। और वो अंदर चली जाती है। वहीं टॉलिक और वह जब कमरे में होते हैं तभी पिंग पोंग वो बर्थडे केक तैयार कर रही होती है और ट्रिन वहाँ आता है और पिंग पोंग से कहता है हमारे पास 10 मिनट है डिया के सूट करने से पहले, केक कहाँ है? पिंग पोंग ट्रिन को केक दिखाती है, वो डिया के बर्थडे का केक था। कैंडल लगाते वक्त पिंग पोंग के हाथ में क्रीम लग जाती है, फिर ट्रिन उस क्रीम को पिंग पोंग के हाथों से खाने लगता है और फिर यहाँ पर ट्रिन और पिंग पोंग इंटीमेट होने लगते हैं और ये देखकर टॉलिक वहाँ से भाग जाती है और वो विह को भी वहाँ से साथ लाती है।
टॉलिक वेहा से कहती है, कुछ वजह जरूर होगी जो डिया मुझे देख सकती है। डिया को ट्रेन के अफेयर के बारे में नहीं पता है, क्या होगा अगर उसे पता चले। तभी डिया वहाँ आती है और वो टॉलिक से पूछती है, क्या तुमने ट्रेन को देखा, क्या वो इस रूम के अंदर है। और वो जैसे ही उस रूम में जाने लगती है तभी टॉलिक उसे रोक लेती है और टॉलिक कहती है, मैं अभी इस रूम के अंदर से आई, वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ गंदी धूल है। तभी वहाँ टेंटन आया था। टेंटन कहता है टॉलिक से, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। टॉलिक कहती है, मुझे जाने दो। और कमरे के अंदर डिया पिंग पोंग को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ट्रेन कहाँ है, क्या वो यहाँ है, क्या तुम ट्रेन से मिलने यहाँ आई थी। टॉलिक कहती है, ट्रेन यहाँ नहीं है, चलो उसे कहीं और ढूंढते। डिया पूछती है पिंग पोंग से, तुम यहाँ ट्रेन के साथ क्या कर रही थी। तभी ट्रेन वहाँ आता है अपने हाथ में केक लेकर, जो डिया का बर्थडे केक था, और वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है डिया के लिए। डिया पूछती है, इस केक में कैंडल क्यों नहीं है, तुम इतने जल्दी में क्यों हो। तभी पिंग पोंग उस केक में रखी हुई कैंडल को जलाते देती है एक लाइटर से। फिर डिया उस कैंडल को फूंक मार कर बुझा देती है और उसे अब भी पिंग पोंग पर शक हो रहा था। इसके बाद जब टेंटन वो टॉलिक को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए ले जा रहा होता है, उसका दोस्त सैन भाई ये देख लेता है कि टेंटन के साथ कोई भी नहीं है, वो किसको ले जा रहा है, और वो तुरंत ये बात हु को बता देता है। इसके बाद टॉलिक और टेन जब एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी बाहर हु वो अपने फ़ोन से टेन की वीडियो बनाने लगती है और टॉलिक ये देख लेती है। तभी टेन हु को देख लेता है और हु के सामने से नीला भागती हुई दिखाई देती है। फिर हु नीला का पीछा करती है और टेन हु का पीछा करता है। हु नीला से पूछती है, तुम क्यों भाग रही हो। नीला कहती है, टेन नहीं खो सकता, मैं उसे फॉलो कर रही थी यहाँ। हु कहती है, तुम उसे फॉलो कर रही थी। नीला पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो, तुम उसे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। हु कहती है, मुझे उसकी फिक्र है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। नीला कहती है, तुम्हारा जवाब हमेशा एक ही होता है, क्या तुम जल रही हो। वो कहती है, इस वक्त टॉलिक ऊंचाइयों पर है तो तुम उसे नीचे गिराने आई हो। नीला कहती है, अभी तक तो नहीं, टेन का ब्रेकअप मुझसे नहीं हो सकता, तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि टेन और मैं इंटीमेट हो चुके हैं। वो कहती है कि तुम हर किसी के साथ इंटीमेट होती हो, टेन के बजाय, यहाँ तक कि जेरोन के साथ भी। तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल लोगों को आकर्षित करने के लिए करती हो, अपने कैरियर के लिए। फिर जैसे ही नीला हु पर हाथ उठाने लगती है, तभी टेन वहाँ आकर नीला को रोक देता है और वो नीला से पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। नीला कहती है, मैं तो नहीं, मगर तुम्हारी एक्स फ्रेंड तुम्हें फॉलो कर रही थी, उससे पूछो वो यहाँ क्यों है। फिर टेन हु से वही सवाल पूछता है। हु कहती है, मुझे पता है टोनेट के साथ तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें फॉलो किया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। फिर टेन नीला से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो। नीला कहती है, मैं तुम्हारे स्टूडियो गई थी तुमसे मिलने, मैंने तुम्हें देखा कि तुम किसी के साथ जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है। टेन कहता है, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो टॉलिक को अपनी पीठ के पीछे छुपाने लगता है। तभी नीला वो टेन को हटाती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं है और पूछती है, वो कहाँ है। टेन कहता है, वो यहीं पर है। नीला कहती है, क्या तुम हवा के बारे में बात कर रहे हो। टेन कहता है, क्या तुम पागल हो, टॉनिड यहीं पर खड़ी है तुम्हारे सामने। लेकिन नीला टॉलिक को नहीं देख पा रही थी, वो कहती है, यहाँ कोई नहीं है, और वो हाथ से इधर उधर मारने लगती है। टेन कहता है, तुम उसे क्यों मार रही हो। नीला कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, कोई यहाँ पर नहीं है, क्या तुम अपने आप से बात कर रहे हो। और वहाँ पर हु अपने फ़ोन से ये वीडियो बना रही थी। फिर टेन टॉलिक से कहता है कि नीला से बात करो। टॉलिक परेशान हो जाती है, वो कहती है, ये दुनिया में क्या चल रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टेन जब जाने लगता है, तभी नीला उसका हाथ पकड़ती है। टॉलिक वह को बुलाने लगती है। फिर वह वहाँ आता है। टॉलिक कहती है, क्या ये समय नहीं है मेरे इंसल्ट होने का, बताओ मुझे। वह कहता है, उसे यकीन दिलाओ कि तुम मौजूद हो। टॉलिक कहती है, कैसे। वह कहता है, सोचो। टॉलिक कहती है, तुमने हमेशा कहा सोचने के लिए, लेकिन तुमने मेरी सोचने में मदद नहीं की। वहीं नीला टेन से कहती है, यहाँ कोई भी लड़की नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन है। टेन कहता है, तुम गलत हो, मैंने देखा तुम अपने आप में बात कर रही थी। नीला कहती है, तुम अपने आप से बात कर रहे थे, तुम परेशान हो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। टेन कहता है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। नीला कहती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। टेन कहता है, अगर मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि टॉनिड यहाँ है। नीला कहती है, हाँ मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। फिर टेन टॉलिक के पास आता है और नीला भी आती है। नीला कहती है, यहाँ पर कोई नहीं है हमारे सिवा। टॉलिक कहती है नीला से, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकती, ये नाटक करके कि मैं दिखती नहीं। नीला टेन से पूछती है, तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। टॉलिक कहती है, वाह तुमने ऑस्कर जीत लिया, तुम एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती। टेन कहता है नीला से, मैं देख सकता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो उसके ना दिखने का। नीला कहती है, तुम पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। नीला कहती है, उससे कहो
कि मेरा हाथ छुए, ये प्रूव हो जाएगा कि वो सच में है। वहीं खड़ा वह कहता है कि वो नहीं कर सकती, वो उसके हाथ को नहीं मोड़ सकती। फिर टैन टॉलिक से कहता है कि उसके हाथ को छुओ, और वो जबरन टॉलिक का हाथ पकड़कर नीला के हाथ में उसे टच कराने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।